ऑडियो जंगल। नमस्कार, दृष्टि हरियाणा में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते उपमंडल खरखोदा प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 144 का उल्लंघन करने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। DSP श्री हरेंद्र कुमार ने बताया कि बेवजह घूमने वालों पर और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बेवजह बाहर ना घूमें और अपने घर पर ही रहें। DSP ने धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया व सोनीपत बनी अस्थायी जेल में भेजा। आइए जानते हैं DSP श्री हरेंद्र कुमार का क्या कहना है। हमारी सरकार की तरफ से और अफसरों की तरफ से पूरी डायरेक्शन पब्लिक को अच्छी तरह से दी हुई है, प्रेस के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी। लेकिन क्या है, अब उसके बाद भी पब्लिक निमानी और धारा 144 है उसका बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। और हमने खरखोदा थाने के अंदर जो हमने 5 मुकदमे दिए हैं 188 के, जो नवयुग यहाँ के उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ, जिसमें 2 रोणा गाँव के हैं, एक तो दीपक एक संदीप है, ये 2 रोणा गाँव के हैं। नितेश ये पाई गाँव का है और एक दीपचंद ये सोनीपत का है, और कपिल और संजय पीपली गांव के हैं। इनको हमने जो 144 का जो उल्लंघन करे थे इनको अरेस्ट किया हमने और इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनके खिलाफ जो भी कानून कार्रवाई होगा। प्रवासी मजदूर कुछ हद तक अपने प्रदेश में या अपने एरिया में जाते हुए देखे गए हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा रहा है और क्या आगे की कार्रवाई इनके बारे में? देखिए, अब तो बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें हमने कंट्रोल किया हुआ है। प्रवासी जो पहले आते थे, लेकिन अब 3-4-5 दिन से हमने पूरा कंट्रोल किया हुआ, अपने बॉर्डर पर जो सील की हुई है और ड्यूटी जो अपनी पॉइंट वाइज हमने लगाई हुई है। और बाई चांस कोई कद का मिल भी जाता है तो उसको हम पकड़ने के बाद उसको हम सेल्टर होम में छोड़ देते हैं। और अब ये है, अब तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ 188 कार्रवाई भी करेंगे और उसमें और भी जो सेक्शन होगी वो भी हम ऐड करेंगे। इसमें किसी भी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं की जा रही और नहीं आगे करेंगे।